तमिलनाडु में हुए बिहार के मजदूरों की गई पिटाई को लेकर बिहार के 4 दिवसीय टीम तमिलनाडु गई है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जल्द टीम अपना रिपोर्ट भेजेगा, जो भी मामला होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा में तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई के मामले को लेकर जवाब देते हुए कहा है कि वहां पर बिहारियों की पिटाई नहीं की गई है। हालांकि आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें सदन में वहां के DJP के बयानों के आधार पर कहा था और सदन में BJP का बयान भी सुनाया था। हमने सदन में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा से ये भी कहा था कि आपके पास कोई आधार हो तो सरकार को उपलब्ध करवाइए। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसी के आधार पर बिहार सरकार ने 4 दिवसीय टीम तमिलनाडु भेजी है। हालांकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने तमिलनाडु के BJP प्रदेश अध्यक्ष के बयानों पर हवाला देते हुए कहा है, आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। लेकिन कहा जा रहा है कि वर्कर्स कह रहे हैं कि हम लौटेंगे नहीं वहाँ से। वर्कर्स जो आ रहे हैं वहाँ से टीम को जाने दीजिए, टीम गई है, जब टीम गई है जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पे जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उसमें कहा है, हमने तो उस समय भी विधानसभा में ये कहा था कि उस समय भी पूर्व में DJP का जो बयान था वो हमने वहाँ का पढ़ के भी सुना दिया था विधानसभा में, और ये भी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। तो जो बातें उठी थी तो हमने बोला भी था कि कोई डिटेल होगा तो आप उपलब्ध करा दीजिएगा। विजय चौधरी जी ने भी कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको देखते हुए टीम भेज भी दिया है। तो हम लोग तो इस मामले को अगर कोई बात है इस तरह की तो हम लोग, क्योंकि 2-4 न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं कुछ मजदूरों का जो बयान है वो देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन के बाहर जो बातें आ रही हैं तो इसमें सरकार गंभीर है, तभी तो टीम भेजा गया। दूसरी बात, एक अखबार है उसमें BJP के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जो है बयान जो है वो छपा है, उनका बयान जो है वो छपा है। तो उसमें ये कहा गया है उस बयान में कि जो BJP के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया और वो प्रदेश अध्यक्ष जो BJP के हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई और ये बात जो है BJP के प्रदेश अध्यक्ष को बताई गई है। हालांकि फिर भी कौन क्या बोलता है नहीं बोलता इससे हम लोगों को मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को पता करते हुए जो है हम सभी लोग जो है हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम को भेजा है, जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो अग्रसर जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम लोगों की सरकार के बात करने का ये फल निकला कि जो भी मजदूर अगर वहाँ सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं तो 2 जिलों का जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने 5-6 नंबर जो है वो उपलब्ध करा रखे हैं, कोई भी अगर कोई फंसा है कहीं तो इमिडिएटली जो है उस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है अपनी बात को रख सकता है। तो सरकार वहाँ की जो है करवाई, बिहार के लोग वापस जा सकते हैं तमिलनाडु में, जो होली का त्यौहार है वो आ रहे हैं, वापस क्या वो जा सकते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं, एकदम जाना चाहिए। और हम तो कहेंगे देश में कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है।